everybody, welcome back to my YouTube channel PS Multipurpose. I hope you guys are doing really well. तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी रिव्यू ऑफ स्क वर्क की काजल के बारे में आपके संग आज हम शेयर करने वाले हैं. ठीक है, चलिए. एंड मेरे पास यहाँ पे ये दो काजल्स हैं फ्रॉम सेम ब्रांड स्क वर्क की एंड दे आर द सेम वेराइटी. आई मीन इनका टाइटल भी सेम है. तो इसका है स्क वर्क का आई लव यू टू इन द शेड ब्लैक. एंड मैंने अभी रिसेंटली इसको ऑर्डर करा है स्क्यू आई लव यू टू ब्लू वन. ओके, सो या लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर काजल. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, तो पहले मैं बात करूंगी अपने इस ब्लैक वन के बारे में. बिकॉज मैंने इसको पहले परचेज करा था, फर्स्ट ये आया था, दैट वाई पहले हम इसके बारे में शेयर करेंगे. ओके, तो मेरे पास ये बहुत पहले से है, मतलब मैं बहुत पहले से इसको इस्तेमाल कर रही हूँ. बट लेकिन जब से मैंने काजल को अपने रेगुलर यूज में लिया है ना, तब से मेरा मन कर रहा है कि मैं थोड़ा कलर को चेंज करूँ. देन मैं अपने पर्पल पे मैं स्क्रॉल कर रही थी एंड मैं देखा कि फिर मेरी मम्मी ने मुझे सजेस्ट करा कि नो आई शुड ट्राई ब्लू काजल एंड ब्लू आई लाइनर एज अ काजल. सो या तो मैंने इसको ब्लू वाले खरीद लिया. एंड सबसे अच्छी बात मुझे लगती है जैसे कि मान लो किसी के पास बहुत सारे काजल्स हैं एंड जैसे कि हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा काजल, जैसे कि मान लीजिए आई हैव दिस ब्लैक वन, तो उसमें ब्लैक ब्लैक कलर का है ये. आई विश मेरा कैमरा कैच कर ले. ओके, लेट मी जस्ट शो यू. फोकस 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 कर प्लीज. या सो ये ब्लैक कलर का इसकी ना पैकेजिंग इसकी ब्लैक कलर की है. एंड अगर हम बात करें ब्लू वन की, उसकी पैकेजिंग ब्लू कलर की है. मुझे बहुत अच्छे लगे और दोनों ही काजल मेरे सुपर से ऊपर वाले फेवरेट है. मतलब अपने रेगुलर यूज में मैं अप्लाई करती हूँ. और अभी तो मैं बेयर फेस हूँ, बिल्कुल भी मेरे फेस पे कोई भी मेकअप नहीं है. एज यू कैन सी माई डार्क सर्कल बिकॉज यू नो आई एम बियरिंग स्पेक्स करेंटली. सो या आई नो काफी ज्यादा डार्क सर्कल आ गए हैं एंड माई स्किन इज लाइक दिस. मतलब मैं कोई भी मेकअप नहीं है, बस लिप बाम है, वो भी नॉर्मल लिप बाम. ओके, तो मैं बात करूँ इसकी एप्लीकेशन की ना, तो मैंने इसको कम से कम 6 घंटे चला लिया, वो भी यहाँ पर हल्का सा कॉम्पैक्ट पाउडर यूज करके. लेकिन हाँ, अगर कॉम्पैक्ट पाउडर को यूज नहीं करोगे ना तो फिर तो आपका काजल नहीं चल पाएगा, ये स्मार्ट हो जाएगा. बिकॉज तो मैं आपको बोलना चाहूंगी, अगर आप खरीदना चाहते हो कोई भी काजल, नॉट इवन दिस काजल, कोई भी काजल हो, जितना भी क्लेम करते हैं कि हम स्मज नहीं होंगे एंड ऑल द स्टफ लाइक दैट, तो आप काजल लगाने से पहले ना मेरी टिप दे रही हूँ आप लोगों को, फॉलो जरूर करना. कोई भी पाउडर हो, स्पेशली कॉम्पैक्ट पाउडर, बिकॉज अगर आप नॉर्मल टेलकम पाउडर लोगे तो बहुत ज्यादा मेसी मेसी और वाइट वाइट हो जाता है, बहुत गंदा लगता है गाइस. बिल्कुल टेलकम पाउडर बिल्कुल मत लेना. आपको चाहिए नॉर्मल कॉम्पैक्ट पाउडर जो आपकी मम्मी लगाती है, जो आप यूज करते हो एंड अपने आंखों के इस सेक्शन में, यानी कि ये ना वॉटर लाइन जहाँ पे हम काजल अप्लाई करते हैं वहां पे इसको लगाना. एंड देन आप काजल को अप्लाई करना, कोई भी ब्रांड होना गाइस, 100% बोल रही हूँ, मतलब लिटरली बहुत बढ़िया चल जाता है आपका काजल, बहुत ही मस्त कलंदर लुक वाला आता है, बहुत सही आता है. ठीक है, और लेकिन थोड़ा सा हाँ ये स्मज हो जाता है, बट इसके इसमें थोड़ी प्रॉब्लम है. लेकिन इसमें कलर रेंज बहुत सारे हैं, इसका ग्रीन भी है एंड अभी तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं अपना स्क्रीन रिकॉर्डिंग या फिर मैं स्क्रीन शॉट्स लगा दूंगी ताकि आपको सारे कलर्स और वैरायटी वाले पड़ जाएं. और ये स्पॉन्सर्ड नहीं है. ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ कितना ज़्यादा मतलब क्रीमी टाइप के, तो मैं अभी अप्लाई करके दिखाती हूँ. एज यू कैन सी बहुत ही कूल काजल है. सो लेट मी जस्ट अप्लाई इट. As you can see the color. मैं भी प्रोफेशनल नहीं हूं तो मुझसे भी गलती हो जाती है. ब्यूटी शॉट. ओके, बहुत ही बढ़िया लग रहा है ना. एंड देन अगर मैं बात करूं ब्लैक वाले का, तो या ब्लैक वाला इस तरफ. गॉड, या दोनों काजल मतलब एक आंख में अलग एक आंख में अलग. सीरियसली आई एम सो फनी ना. ओके, तो यार ये है कुछ इस टाइप का काजल. एंड वाटर प्रूफ की बात करूँ तो यार ये वाटर प्रूफ है, लेकिन आपको तो टाइम देना पड़ता है कि आप ऐसे अपनी उंगली को स्मच करोगे ना
तो काजल आपकी फिंगर पे आ जाता है, इसलिए तो मैं इसको स्मज नहीं करना चाहूंगी। एंड या देख सकते हो, तो मेरी तरफ से मैं इसको देना चाहूंगी 10 out of 8.5 marks। सो या मेरे लिए अकॉर्डिंग इट्स वेरी नाइस, एक्सीलेंट तो नहीं बोलना चाहूंगी लेकिन इट्स वेरी नाइस। तो या आप इसको परचेज कर सकते हो फॉर योर स्कूल, कॉलेज और ऑफिस, लेकिन पार्टी के लिए थोड़ा सा मैं इसको नहीं कंसिडर करना चाहूंगी। सो या थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस रिव्यू एंड द डेमो एज वेल। बाय बाय।